और इधर आ जाओ। आज सुबह थाना मंडी में हमारा एक रेगुलर जो नाका लगा होता है, जिसमें जे एंड के पुलिस हमारी यहाँ के थाना मंडी पुलिस स्टेशन से आर्मी और सीआरपीएफ का जॉइंट नाका हमेशा रहता है, और जो मुगल रोड के खुलने से ही वहाँ पे परमानेंटली इस्टेब्लिश होता है, जिसमें हम जो भी सस्पिशियस मोमेंट है उस पर नज़र रखते हैं। सुबह सवेरे वी आवर्स में जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आने का वक्त होता है, उस वक्त की बात है कि दो लड़के मोटरसाइकिल पे सवार थे और उनको नाका पार्टी ने सिग्नल दिया कि वो रुक जाएं। उनने एकदम अपना मोटरसाइकिल को स्पीड अप करके और थोड़े से फासले पे मोटरसाइकिल को छोड़ के और भागने की कोशिश की। भागते भागते उनने दो फायर्स किए, और चूँकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था, वो पार्टी जो हमारी बिखरी हुई थी, तो दो तीन लड़के जो थे बड़े क्लोजली जाके उनने बड़ी मुस्तैदी से इन दोनों लड़कों को ओवरपावर किया और इनको पकड़ा। जब इनको पकड़ा है तो उनके कब्ज़े से एक इंसास राइफ़ल और तीन मैगजीन्स जो हैं वो मिले हैं। इंसास राइफ़ल, जब ये हादसा होता है तो इसके बाद एसडीपीओ साहब और एसएचओ हमारे मौके के जो वो दोनों स्पॉट पे पहुँचे, तो इतने में हमारी शादरा पुलिस पोस्ट है वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन इनको आती है कि यहाँ से एक हमारे किसी जवान का इंसास वेपन जो है वो उसका बक्सा जो है वो बक्से के समेत जो चोरी करके ले गए हैं, और बक्सा बाद में रिकवर होता है एक नाले से, और ये जो इंसास राइफ़ल थी ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एक जवान की थी, जो कि इस तरावी के वक्त लगभग उस वक्त जब वो लड़के कहीं नमाज के लिए निकले थे वहाँ पे उनका बक्सा चोरी किया गया और बक्से से ये राइफ़ल निकाली गई और ये दोनों लड़के जो हैं ये अरेस्ट हुए। दोनों अरेस्ट लड़के जो हैं, एक का नाम एजाज है और एक का मुख्तियार नाम है, दोनों शोपियां ज़िला के रहने वाले हैं और दोनों का मिलिटेंसी का भी बैकग्राउंड है। जैनपुरा पुलिस स्टेशन में उनका, हमने जो अपने काउंटर पार्ट से पता किया है, वहां जैनपुरा पुलिस स्टेशन में दोनों के इन्वॉल्वमेंट है एफआईआर्स में, और जो दोनों मिलिटेंसी रिलेटेड केसेज हैं। देखिए, ये इनपुट्स तो पूरे कश्मीर में भी आपने देखा कि वेपन स्नैचिंग हो रही है। अब ये भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि वेपन तो लिया जा रहा था, ये चोरी करके लिया जा रहा था, कश्मीर में डायरेक्ट स्नैचिंग अटैम्प्ट हो रही है। और दोनों ही लड़के जो थे वो एचएम के कमांडर जो जीनत इस्लाम थे उनसे रबते में थे लगातार, और वेपन लेके दोनों को ही मिलिटेंसी ज्वाइन करना। क्या ये आज सुबह ही शोपियान के तरफ से आए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, फिर आप कहाँ थे किस? हाँ, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कल शाम को वहाँ पे आए हैं। ये पहले उनने वहाँ पे अपना जो खाना वगैरह किया है, और इब्तदाई तफ्तीश से ये पता चलता है कि ये पहले तीन चार बार आके रेकी किया हुआ है, उनने पहले देखा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ से वो वेपन ले सकते हैं। उनने देखा है कि ये स्नैच करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, इसलिए उनने ये वाला जो रास्ता अपनाया कि किस तरीके से हमारे लड़के जो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है कि वो सारे उस वक्त नमाज के लिए निकलते थे, और उनने उस मौके को फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से बक्से को ही चोरी किया, बॉक्स को ही चोरी किया, और बॉक्स से बाद में बंदूक लेके और फरार होने की ताकत। बिल्कुल, वहाँ पे जो हमारा जिस लड़के का ये वेपन है उसको भी लाइन में हाजिर कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, और इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो भी की जाएगी। सर, आपने कहा कि मोटरसाइकिल पे ये सवार थे, क्या ये लोकल गवर्नमेंट्स थी उनके पास डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, या शोपियान से ही मोटरसाइकिल पे आए? देखिए, मोटरसाइकिल का भी अभी पता करना बाकी है। मोटरसाइकिल पंजाब नंबर से रजिस्टर्ड जो उस पर प्लेट लगी हुई है, और अभी आगे की कार्रवाई में ही पता चलेगा कि ये भी कहीं चोरी का तो नहीं है, वो बात की तफ्तीश में ही पता चल पाएगा। क्या इनको रोकने की कोशिश की गई, क्या इनकी तरफ से फायर किया गया? तभी तो फायर, सिर्फ दो ही फायर, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ है, दो सिंगल शॉट्स फायर हुए हैं जो कि उनकी तरफ से ही हुए, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। वहाँ पे जितने जवान थे हमारे बड़े मुतहदी से मुतहद होके और होशियारी से उनने काम लिया और इनको ओवरपावर किया। सर, आपने कहा कि दो तीन बार पहले भी ये रेकी कर चुके हैं, क्या किसी लोकल की हेल्प के साथ ये रेकी कर चुके हैं, क्या इस तरह की कोई बात भी सामने आई? देखिए, जो शादरा शरीफ ज्यारत है वहाँ पे लोगों का काफ़ी आना जाना है, और हर एक की डिटेल रखना बहुत मुश्किल है, तो ये उसी एक ज्यारत पे जैसे कोई श्रद्धालु आता है, पिलग्रिम आता है, वैसे आते होंगे, उस तरीके से उन उसी के डिस्गाइस में जो है यहाँ की जो रेकी की है,
और उसमें कहीं ना कहीं उनने हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज का लूप होल देखते हुए, उनकी स्नैचिंग में ना कामयाबी देखते हुए उनने वेपन को चोरी किया। सो कहीं ना कहीं OGW को हाथ, देखिए ये सारे अभी तफ्तीश के पहलू हैं, अभी तो आज सुबह ही ये कार्रवाई हुई है। पहले ये जो मैंने आपसे डिटेल शेयर की ये इब्तदाई इंट्रोगेशन की डिटेल्स हैं, इसके बाद कोई और डिटेल्स आएंगी तो वो आपके साथ वक्त शेयर की जाएगी। आपने कहा HM आउटफिट के साथ इनका बवस्ती थी, एक पुलिस स्टेशन में भी इनके खिलाफ केसेज दर्ज हैं, किस तरह के केसेज दर्ज थे इनके खिलाफ, किसी बड़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व थे या स्नैचिंग में पहले भी इन्वॉल्व? नहीं, स्नैचिंग का अभी तक इनका बैकग्राउंड हमें पता नहीं चला, क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ से ही पता किया है। अभी जो SP ऑफ्स कार्गो में जो श्रीनगर में है उनसे भी हमने रब्ता किया है, उनको भी डिटेल्स इनकी प्रोवाइड की हैं, क्योंकि कश्मीर में और भी एक बड़ी वारदातें हुई हैं, क्या ये उस मॉड्यूल का हिस्सा हैं वो भी पता चल जाएगा, क्या है या नहीं है, या इनका वेपन यहाँ पे ही लेना या यहाँ पे कोई और एक्टिविटी को अंजाम देना था, वो सारी चीज़ें अभी तफ्तीश का मौजू है और वो जो तफ्तीश में ही सामने आएंगी। थैंक यू।